वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हैं अपने इंडियन इकोनॉमी पार्ट को आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने शुरू किया था अपना इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर, जो कि था आपका इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है, उसका सारा पार्ट हमने कवर कर लिया था कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 में क्या था, किस तरीके के सिचुएशन थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और अदर सेक्टर्स में। यहाँ पे ये आखिरी पार्ट है उसका जो कि बचा हुआ था, इस पे हमको कवर करना है कि क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुए हैं उनका क्रिटिकल अप्रेजल करना है, उनके पॉइंट्स को देखना है कि भाई हमने तो सारा कुछ पढ़ लिया, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या उस डेवलपमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहा या न्यूट्रल रहा। तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो चलिए, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ चार पांच पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे चीजों को। सबसे पहला चीज हमारा प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। देखिए, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और किसी भी कंट्री के वैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जीडीपी आपकी कंट्री की बढ़ रही होती है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है। जीडीपी कुछ नहीं होता, एज अ लेमन आप ये समझ सकते हैं, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है साल भर के अंदर की, जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं। अब अगर जीडीपी बढ़ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, द प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज। जब प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ होगा तो लोगों की इनकम बढ़ी होगी, इनकम बढ़ी होगी तो फिर वो कंजप्शन किए होंगे, कंजप्शन करी होगी, बढ़ी होगी तो फिर वो क्या हुआ होगा, दोबारा से इनकम किसी और के, भाई हमारा कंजप्शन किसी और का इनकम है, फिर वहां इनकम जनरेशन हुआ होगा, फिर कुछ कैपिटल फॉर्मेशन हुआ होगा, कुछ सेविंग्स हुआ होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। मतलब ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि एक बढ़े हुए जीडीपी से कितना सारा कुछ हो सकता है। तो 1950 आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑन 1947, 1950 टू 1990 वॉज अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर द इंडियन इकोनॉमी। 1991 में फिर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अडॉप्ट की, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी अलग हुई, पर यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशली फॉर 1950 टू 1990, जैसा कि बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है कि 1950 और 51 में जो हमारा जो आपका जीडीपी का जो रेट था वो था 11.8% इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, केवल हम यहाँ देख रहे हैं। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का जो रेट था वो 11.8% था 1950 टू 51 में, बट वही चीज 1990 पहुंचते पहुंचते तक वो हो गया 24.6%, जिसमें कि 6% का एनुअल ग्रोथ रेट भी आपको देखने को मिला था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि काफी अच्छा माना गया कि चलो ठीक है भाई, हर साल 6% डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है, नई नई इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये एक अच्छा इफेक्ट उसमें देखने को मिला। दूसरा हम देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर पहले बेसिकली हमारा कॉटन और जूट पे ही काम करता था, बेसिकली हमारे यहाँ से जो भी चीजें प्रोड्यूस होती थी उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉटन और जूट था। फिर पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था 1947 के बाद, मीन्स मोर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज वॉज स्टैब्लिश, और उन्होंने फिर अलग इंजीनियरिंग गुड्स में भी हाथ डाला, वहां का प्रोडक्शन किया, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया, और वो वेल डाइवर्सिफाइड हो गए विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफी ब्रॉड हुआ। कैसे ब्रॉड हुआ? पब्लिक सेक्टर की मदद से, क्योंकि पब्लिक सेक्टर फिर और अलग अलग टाइप के गुड्स में भी इन्वॉल्व होने लगे। जैसे पहले हमारे यहाँ केवल कॉटन और जूट होता था, बाद में फिर इंजीनियरिंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कई सारे और गुड्स भी उसमें प्रोडक्शन में हम करने लगे, किसके हेल्प से? पब्लिक सेक्टर से। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं SSI, आई थिंक यू नो द नेम, फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की थी कि ये खत्म हो जाए पूरी तरीके से, तभी उनके जो गुड्स थे, जो उनके प्रोडक्ट थे, वो यहाँ इंडिया में चल पाते, अगर ये रहते तो नहीं चल पाते। सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है, SSI क्यों जरूरी था? क्योंकि इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है, लो कैपिटल, क्योंकि लो कैपिटल से ये फॉर्म हो जाता है आराम से, इजिली कोई भी फॉर्म कर सकता है, छोटे मोटे व्यापारी या बिजनेसमैन मिलके इसको फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, ये इजी टू स्टार्ट है। देखिए, स्टार्ट करने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप SSI खोलना चाहते हैं इजिली आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल भी कम लगेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता था, और साथ ही साथ प्रमोट्स ग्रोथ एंड इक्विटी, हर जगह ये आपको देखने को मिल जाता था उस दरमियान। अभी तो बहुत कम हो गया, अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, उस समय बहुत देखने को मिल जाता था। उसके बाद ये मेन काम करता था आपका कि इक्विटी, जो भी ग्रोथ और इक्विटी को ये बढ़ावा देता था, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि इक्वल ग्रोथ हो हर सेक्टर में,
तो ये SSI का मेन काम होता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो SSI उठा लेता था और उनके लोग उसका प्रोडक्शन करते थे। और सरकार इनके लिए रेस्ट्रिक्शन भी, इनको लाइसेंसिंग भी इजली दे देती थी, और इनको कुछ गुड्स जो है इनके लिए फिक्स कर दिया था कि वो गुड्स कोई और प्रोड्यूस ना कर पाए, ताकि SSI बचे रह जाए। क्योंकि अगर सारे कंपनीज, जो बड़े कंपनीज जो बिग प्लेयर्स हैं, MNCs हैं, ये सब जो है, अगर वो सब भी वो गुड्स प्रोड्यूस करने लगे, फिर SSI का काम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ गुड्स का रिजर्वेशन कर दिया गया था उनके लिए उस टाइम। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर रहा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था वो समझिए। पहले हम क्या करते थे, हम मतलब वही, हमारे यहाँ तो 1947 टाइम तक तो हम लोग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो वो लोग क्या करते थे ना, इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये बहुत उल्टा कॉन्सेप्ट था। जनरली हम क्या करते, कोई भी हम क्या कोई भी कंट्री हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्पोर्ट जो है वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को, और एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स बना के, ताकि हमको वैल्यू एडिशन का फायदा हो पाए। जो बीच में हमने कन्वर्जन किया है उसका हमको फायदा हो पाए। पर हुआ उल्टा। वहां पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते थे ब्रिटेन में, और वहां से उसको मैन्युफैक्चर करके फिर फिनिश गुड्स को यहाँ इम्पोर्ट कराते थे, वो भी हाई रेट पे। और ये दिखाते थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है फेवरेबल है इंडिया का उस टाइम। क्यों? क्योंकि भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इसी को रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है और उसका बेनिफिट किसको जा रहा है, उसका पूरा बेनिफिट वो उनके ब्रिटिशर्स को ही जाता था। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का मतलब ये था कि जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन से सब्स्टिट्यूट करना। जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे चीज़ों को, जो बाहर से ले रहे थे, उसको इम्पोर्ट ना करके उसी के जगह उसी चीज़ को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना। ये बेसिकली इनका मेन एम था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का। और इसी को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। इससे क्या हुआ कि हम फॉरेन कॉम्पिटिशन से बच जाते थे। लेकिन इंडिया में फिर इसका एक गलत इस्तेमाल होने लगा, जो कि क्या होने लगा, अब लोग क्या करने लगे, जैसे बाहर से कंपटीशन आता था तो इंडियन जो इंडस्ट्री ओनर थे वो लोग क्या करते थे, चीज़ों को उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते थे। अब जब बाहर का कंपटीशन ही खत्म कर दिया गया, तो उनके स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह जो है धीरे धीरे खराब होने लगे थे। तो इस वजह से फिर दूसरे रिफॉर्म्स लाए गए ताकि ये सही हो पाए। अच्छा, फिर हमारे पास है लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी बेसिकली यही इसके लिए किया गया था कि हम मॉनिटर कर पाएं कि हमारे जो कितने इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं उनको कितने लाइसेंसिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन करते थे। तो हम इजिली मॉनिटर कर पाए, हम मतलब गवर्नमेंट इजिली मॉनिटर कर पाती थी कि हाँ कितने इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया, क्या प्रोडक्शन एरिया है इनका, ये सारा कुछ कंट्रोल में रहता था। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था उसको मॉनिटर या कंट्रोल करना। फिर हुआ क्या, इसका भी मिसयूज होने लगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मिसयूज कैसे करने लगे, अब जो पहले से इंडस्ट्रीज चल रही हैं, अब ये था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का या किसी पर्टिकुलर गुड्स का, तो उस टाइम ऐसी पॉलिसी थी कि चलो ठीक है, इसने ये प्रोडक्शन किया तो ये दूसरे को मत दो, इसी को रहने दो, क्योंकि दूसरा कोई आ जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो अब जो पुराने फॉर्म्स थे, जो बड़े प्लेयर थे थोड़े, वो क्या करते थे, वो जानबूझ के लाइसेंस ले लेते थे, नए प्रोडक्ट बनाने का नहीं, वो लाइसेंस लेते थे उन्हीं किसी और प्रोडक्ट का। इससे क्या होता था, कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता था, क्योंकि वही दो प्रोडक्ट का लाइसेंस लेके बैठ जाते थे। दूसरी बात है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। ऑब्वियस से बात है, उस समय भी टाइम कंज्यूमिंग था, आज भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने की वजह से थोड़ी चीजें तेज हो गई हैं, पर फिर भी टाइम लगता है लाइसेंस लेने में। इसमें लास्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। देखिए, जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बैकवर्ड एरियाज पर बिल्कुल फोकस किया गया, क्योंकि जैसे आप इंडस्ट्री खोलना चाहते थे बैकवर्ड एरियाज, आज भी आज के टाइम में भी अगर आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं बैकवर्ड एरियाज में या हिली एरियाज में या फिर और जो ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलता है आपको। आप जैसा भी रहे, सब्सिडी के नाम पे हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कुछ सालों के लिए फ्री कर दी जाए, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वगैरह बनवा दिया जाए सरकार की तरफ से, वाटर सप्लाई अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही, आपको इंडस्ट्री को जरूरत है तो वो भी आपके लिए कराया जा सकता है। तो ये सब हेल्प सरकार प्रोवाइड करती है अगर आप ऐसे अंडर डेवलप्ड हिली एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में अपने इंडस्ट्रीज को ओपन करना चाहते हो। उस टाइम भी ये सपोर्ट था। इससे क्या होता था, इससे रीजनल इक्वालिटी मेंटेन रहती थी कि भाई किसी रीजन में ऐसा होता है ना, आज भी है, किसी रीजन में देखिए तो बहुत सारा इंडस्ट्री है, किसी रीजन में बिल्कुल नहीं है। तो इसको इक्वालिटी पर्पस के लिए ऐसा किया जाने लगा। अब इसमें देखते हैं, बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, मतलब बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट कैसे हुआ कि हम इंडस्ट्रीज को उन एरियाज में भी डेवलप कराने लगे। दूसरा बोला गया डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब जब इंडस्ट्री डेवलप करती है कहीं भी, तो आप देखे होंगे जहां पे इंडस्ट्री डेवलप करती है, जैसे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर जगह पे एक इंडस्ट्री ये डेवलप कर गई, तो इसके अगल बगल की एरिया जो है वो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट के फेज पे आ जाते हैं। कैसे, रोड वगैरह बनने लगे, हो सकता है इंडस्ट्री अपने पर्पज के लिए रोड बनवाए, लेकिन वो रोड तो सब लोग यूज करता है, रोड बनेगी, कुछ लोग वहाँ जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज होंगे वहाँ रहने वहने लगेंगे, तो लोगों का फिर आवागमन बढ़े, कुछ छोटे मोटे दुकानदार जो है वो भी वहाँ स्टैब्लिश होने लगेंगे, चाय पान ये सब के दुकानदार जो है वो भी आने लगेंगे धीरे धीरे, उनके भी बिजनेस, उनके भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होने लगेगा, लोगों को रोजगार जो मिलता है वो अलग मिल रहा है वहाँ पे। तो ये सारा कुछ इंडस्ट्री के गुणों से होता है। फिर है मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे भी दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, जो इंडस्ट्रीज वाले थे ये धीरे धीरे क्या करने लगे, धीरे धीरे ये मोनोपोली कंट्रोल करने लगे। मोनोपोली मतलब समझते हैं एका व्यवसाय इसको कहते हैं, मतलब ये पब्लिक सेक्टर मिलाकर एक ही जैसे होने लगे। अब इनका काम क्या था, जो भी गुड्स से प्रोडक्शन कर रहे थे उनमें ही ये लोग पूरी पूरी तरीके से लग गए। अब ये प्राइवेट प्लेयर को एंट्री ही ना दे, तो एक ये भी एक ऑब्जेक्शन रहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चलिए बाकी सारे एस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सही था, लेकिन कहीं कहीं पे कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो भी उसके कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होते हैं। तो वैसे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कुछ डिमेरिट्स भी थे, जिसमें यही एक आगे ये था कि आपका मोनोपोली होने लगा पब्लिक सेक्टर का, कुछ कुछ सेक्टर्स को लेके, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को लेके उनका मोनोपोली होने लगा, फिर उसमें दूसरे लोग ना आ पाए, फिर लाइसेंसिंग का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, फिर ये सब कुछ कुछ थे। ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा उस टाइम में, और उसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स रहे हैं। तो आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है पूरे इंडियन इकोनॉमी का और इंडियन हिस्ट्री का भी, वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई गई थी, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे क्या पॉलिसी थी, किस तरीके से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में रिफॉर्म्स लाए गए और क्या क्या चेंजेस उसमें रखे गए, ये सारा कुछ देखेंगे अपने हम अपकमिंग वीडियो में।